नमस्कार दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर टेक्स रैप ऑप्शन का इस्तेमाल बताऊंगा। यहाँ देखें, एलिमेंट में एक ऑप्शन है टेक्स रैप, इस ऑप्शन का इस्तेमाल बताऊंगा। तो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर। अब मैं इसके लिए टेक्स रैप के लिए हमें टेक्स चाहिए और पिक्चर चाहिए, तो पिक्चर या इमेज या ग्राफिक आपको लेकर आना होगा। तो पिक्चर लाने के लिए आप एक बात का याद रखें, जब भी आप पिक्चर लेके आएँ तो इस ये जो टूल है, ये पॉइंटर टूल या पिक टूल, इसे कोई कोई पॉइंटर टूल भी बोलता है, कोई इसे पिक टूल भी बोलता है, तो इस टूल पे क्लिक करें। ये जो एरो का निशान है, ये पॉइंटर टूल है, इस पर क्लिक करें। बहुत कोई ऐसा करते हैं कि टेक्स्ट टूल से क्लिक करके उसके बाद पिक्चर लाते हैं, तो उससे क्या होता है, पिक्चर आप मूव नहीं कर पाइएगा, एक जगह से दूसरी जगह आप ले नहीं जा पाइएगा। तो बेस्ट यही है, पिक्चर लाने के लिए पॉइंटर टूल पर क्लिक करें, उसके बाद फाइल में जाएँ। जाने के बाद फाइल मेनू में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन है प्लेस पिक्चर लाने के लिए, यहाँ प्लेस में क्लिक करें या कंट्रोल डी दिया हुआ है यहाँ पे, शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लेस में मैंने क्लिक किया, करने के बाद प्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स दिया हुआ है लुक इन, इस बॉक्स के राइट हैंड साइड में एक डाउन बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप जिस जगह भी आपने अपना फ़ोटो रखा हुआ है जी, या जो भी फ़ोटो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इमेज या ग्राफिक्स जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप वहाँ से ड्राइव सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर आईडी फॉर आईडी नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर पिक्चर दिया हुआ है, रखा हुआ है मेरा। तो नॉर्मल से एक पिक्चर मैं यहाँ से लेता हूँ, ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक करना होगा, फिर आपको यस कर दें। करने के बाद अब इसमें पिक्चर को क्या करूँगा, जो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है देख सकते हैं, सेंटेंस लिखा हुआ है, नॉर्मल सा सेंटेंस है। तो आप या तो इस जगह पे भी एक बॉक्स आएगा, उसे आप इस तरह क्लिक करके ड्रैग कर दें, अदरवाइज़ आप बाहर भी कहीं भी रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर रख देता हूँ। अब ये जो टेक्स्ट है, ये जो पिक्चर इमेज यहाँ पे आया हुआ है, इसके देखिए पीछे इसके पीछे बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो दिख नहीं रहा, प्लस बड़ा ऑड लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ इस पिक्चर के चारों तरफ टेक्स्ट रैप हो जाए, मतलब जो लिखावट है पीछे का वो इसके चारों तरफ सेट हो जाए। टेक्स्ट रैप के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो पिक्चर को आप सिलेक्ट कीजिए पिक टूल से, उसके बाद आपको क्या करना है, मेनू बार में जाएँ, एलिमेंट में जाएँ। जाने के बाद एलिमेंट मेनू में जाने के बाद टेक्स्ट रैप का ऑप्शन है, टेक्स्ट रैप पे क्लिक कीजिए। ये मैंने क्लिक कर दिया, टेक्स्ट रैप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे रैप ऑप्शन और प्लस टेक्स्ट फ्लो, तो ये जो बीच वाला है, देखिए तीन ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो बीच वाला है रैप ऑप्शन के यहाँ पे, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे तीन ऑप्शन भी दिखा रहे हैं नीचे टेक्स्ट फ्लो, तो ये वाला लीजिए, ये वाला के देखिए, ये वाला ये ऊपर है, नीचे टेक्स्ट आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए इस तरह ऊपर टेक्स्ट, ये देखिए आ गया यहाँ पे टेक्स्ट, आपको दिखाई दे रहा है, इसे तो मूव करके आप मिडिल में भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब आप चाहते हैं कि नहीं, इसके चारों तरफ भी टेक्स्ट है, इधर भी इस पेज का लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी, ऊपर टेक्स्ट हो गया, नीचे टेक्स्ट हो गया, लेकिन इधर भी आप चाहते हैं ये साइड भी, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड में, चारों तरफ इसके आप टेक्स्ट आना चाहिए और बीच में पिक्चर रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगेन आप मेन्यू बार में जाएं, एलिमेंट में जाएं, उसके बाद टेक्स्ट रैप पे क्लिक कीजिए। टेक्स्ट रैप पे क्लिक करने के बाद फिर टेक्स्ट रैप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद देखिए टेक्स्ट फ्लो है, पहले तो इसे आपने सेलेक्ट किया हुआ और नीचे ये वाला सेलेक्ट किया हुआ, रैप ऑप्शन में ये वाला जो ब्लैक दिखाई दे रहा है ये सेलेक्ट किया है, और टेक्स्ट फ्लो में ये वाला। तो अब तीसरे वाला ऊपर वाला एज इट इज़ रहने दें रैप ऑप्शन में, और ये वाला सेलेक्ट कीजिए, ये वाला टेक्स्ट फ्लो में थर्ड वाला, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख के भी समझ सकते हैं कि टेक्स्ट ये जो आपको हल्का हल्का ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ बीच में वाई ये पोर्शन ये पिक्चर का, इसके चारों तरफ ये वाला आपका टेक्स्ट है। उसके बाद ये सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ये सिलेक्टेड है, उसके बाद ओके पे आप क्लिक कर दें, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए चारों तरफ इसका टेक्स्ट आ गया, जो सेंटेंस है वो यहाँ पे आ गया। ऐसा नहीं है कि जब आप टेक्स्ट ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस में सेंटेंस दूसरा लाइन पहले वाले पे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप पढ़ के देखिएगा, सेंटेंस एज इट इज़ रहता है। और फिर थोड़ा सा मैं इसे राइट क्लिक करके इसे मैं 100% करता हूँ, उसके बाद ये हैंड टूल का इस्तेमाल किया, ये देखिए ध्यान से देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह हम लोग पिक्चर के चारों तरफ टेक्स्ट ला सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा गैप इधर ज़्यादा हो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए,
करने के बाद ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, डॉटेड लाइन को हटाने के लिए बाहर ये पॉइंटर टूल से बाहर क्लिक कर दीजिए, वो लाइन डॉट 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 लाइन जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, चला जाएगा। अब आप चाहते हैं कि नहीं लेफ्ट हैंड साइड में भी जैसे ऊपर आपका स्पेस दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में भी अब थोड़ा सा स्पेस चाहिए या राइट हैंड साइड में भी पिक्चर के स्पेस चाहिए, तो क्या करेंगे उसके लिए अगेन आपको मेन्यू बार में जाएं, एलिमेंट में जाएं, जाने के बाद टेक्स्ट रैप में आएँ। आने के बाद देखेंगे टेक्स्ट रैप का डायलॉग बॉक्स जो आ जाएगा, यहाँ पर देखिए स्टैंड ऑफ इन इंचेस, टेक्स्ट रैप का जो डायलॉग बॉक्स है उसके ठीक नीचे रैप ऑप्शन, टेक्स्ट फ्लो, और यहाँ पे देखिए स्टैंड ऑफ इन इंचेस दिया हुआ है। अब यहाँ पे 0.1767 दिया हुआ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ये जगह है, यहाँ पे गैपिंग है, यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में ये दिया हुआ, चारों तरफ इक्वली दिया हुआ। सपोज़ यहाँ पे हम 0.2 करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 0. मतलब फुल स्टॉप, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, लेफ्ट में 0.3 करता हूँ, देखते हैं ये टेक्स्ट इधर मूव करता है कि नहीं, उसको वो ओके कर दें। देखिए थोड़ा सा हल्का से देखिए यहाँ पे गैप आ गया, देखिए ध्यान से। अब राइट हैंड साइड में भी आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पे गैप आए, देखिए यहाँ पे देखिए कितना सुंदर यहाँ पे थोड़ा सा जगह गैप हो गया। राइट हैंड साइड में भी अगर गैप चाहते हैं तो अगेन पिक्चर को क्लिप कीजिए, ये टेक्स्ट रैपिंग के बाद कीजिएगा। उसके बाद अगेन आप यहाँ पे मेन्यू बार में एलिमेंट में जाएं, उसके बाद टेक्स्ट रैप में क्लिक करें। करने के बाद फिर स्टैंड ऑफ में यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड में दिया हुआ 0.3, अब राइट साइड में ये जो स्टैंड ऑफ इन इंचेस दिया हुआ है यहाँ पे 0.167 दिया हुआ, अब यहाँ पे भी आप 0.3 कर दें, इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट का जो बॉक्स दिया हुआ है इसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे 0 लिख दीजिए, उसका फुल स्टॉप, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3। अब देखिए लेफ्ट एंड राइट में 0.3 हो गया, अब इसे मैं ओके कर देता हूँ। देखिए अब इक्वली इधर भी गैप आ गया, इधर भी गैप आ गया। अब मान लीजिए आप चाहते हैं नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा मैं गैप चाहता हूँ, नीचे का पोर्शन में आप चाहते हैं कि नहीं ज़्यादा गैप आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन आपको यहाँ पे मेन्यू बार में जाना पड़ेगा, पिक्चर को सिलेक्टेड रहने दें, एलिमेंट में जाएं, उसके बाद टेक्स्ट रैप में आएं, और यहाँ पे टॉप और बॉटम देखिए लेफ्ट में 0.3 दिया हुआ, राइट में 0.3, मतलब ये जो गैप आ गया यहाँ पे स्टैंड ऑफ इन इंचेस दिया हुआ गैप आ गया। अब नीचे भी आप चाहते हैं तो और ज़्यादा गैप लाने के लिए तो यहाँ बॉटम में जाइए, बॉटम का बॉक्स में क्लिक कीजिए और ये जो 0.167 दिया हुआ इसे आप सिलेक्ट कीजिए। इस तरह सिलेक्ट करने के बाद 0 लिखिए, 0 के लिए फुल स्टॉप दीजिए और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 5 करता हूँ। देखिए 5 लेफ्ट में 3 दिया हुआ, राइट में 3 दिया हुआ और नीचे में मैं 5 करना चाहता हूँ बॉटम में, ओके कर दीजिए। ये देखिए इतना गैप आ गया, मैं बाहर क्लिक कीजिए, देखिए कितना गैप आ गया यहाँ पे, देखिए ये देखिए। तो ये स्टैंड ऑफ ऑप्शन इधर से कर सकते हैं, अगेन मैं चाहता नहीं ऊपर में थोड़ा ज़्यादा और गैप आए, यहाँ भी मैं चाहता हूँ 5 आए, अगेन पिक्चर पर क्लिक कीजिए, अगेन मेन्यू बार में जाइए, एलिमेंट में जाएं, उसके बाद यहाँ टेक्स्ट रैप में जाएं, जाने के बाद यहाँ पर देखिए लेफ्ट यहाँ पे इतना गैप है, राइट में इतना, टॉप में देखिए अभी भी 0.167 दिया हुआ, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद इस बॉक्स के अंदर 0.5 कर देता हूँ, इसे भी 5 कर दें या 6 भी कर सकते हैं, 5 मैंने कर दिया, इक्वली हो जाएगा, टॉप में भी 0.5, बॉटम में भी 0.5, स्टैंड ऑफ इन इंचेस दिया हुआ है, ओके। देखिए अब देखिए दोनों इक्वली, इधर भी आपका 0.5, ये बाहर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये डॉटेड लाइन चला, देखिए ऊपर देखिए 0. यहाँ पे गैप आ गया, इधर 0.3 है, इधर 0.5। तो इस तरह हम लोग टेक्स्ट रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इमेज ग्राफिक फ़ोटो के साथ आप टेक्स्ट रैपिंग कीजिए, न्यूज़पेपर वगैरह में आप इस तरह आपको दिखाई देता होगा मिलता हुआ, इस तरह आपको डिज़ाइन देखने को मिलता होगा कि चारों टेक्स्ट के फ़ोटो के चारों तरफ टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर मेरा ये ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें, और मेरा ये ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।